न्यूज सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लैब। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कर्ज बाजारी से त्रस्त व्यापारी ने पत्नी बेटे बेटी की चाकू से गोद कर की हत्या, खुद को लगाई फांसी। 2,40,00,000 की धोखाधड़ी, नागपुर आने वाली 6 ट्रेनें रद्द, कई चलेंगे लेट। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। एक व्यवसायी ने अपनी ही पत्नी बेटे और बेटी की हत्या करने के बाद स्वयं फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जरीपटका के भीम चौक के समीप स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में यह दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। केवल रिश्तेदार ही नहीं, इलाके के नागरिक भी सकते में है। मृतकों में मदन अग्रवाल, किरण अग्रवाल, ऋषभ अग्रवाल और टिया अग्रवाल का समावेश है। मदन जरीपटका के दयानंद पार्क के समीप मदन चाइनीज नाम से फास्ट फूड की दुकान चलाते थे। परिसर में उनकी सबसे पुरानी दुकान थी। बताया जाता है कि कर्जबाजारी होने के कारण मदन ने यह घातक बड़ा कदम उठाया। सोमवार की रात उसने अपने घर में चाकू से किरण की हत्या की। पहले पेट पर वार किए और बाद में गला रेत दिया। बच्चे भी घर में ही थे। दोनों बच्चों को भी उसने चाकू से गोद डाला। इसके बाद खुद सीलिंग फैन के हुक से रस्सी बांधकर खुद को भी फांसी लगा ली। अग्रवाल परिवार के पड़ोस में रहने वाले सूरज मोटवानी दोपहर 3:30 के दौरान अपने दोस्त के साथ परिसर में खड़े थे। अग्रवाल परिवार ने फ्लिपकार्ट नामक शॉपिंग साइट से कुछ ऑर्डर किया था। डिलीवरी बॉय ने घर के दरवाजे पर कई बार दस्तक दी, लेकिन भीतर से कोई उत्तर नहीं मिला। दरवाजे पर ताला नहीं था और भीतर से प्रतिसाद भी नहीं मिल रहा था। सूरज ने डिलीवरी बॉय से परेशान होने का कारण पूछा। इसके बाद खुद भी कई बार मदन को आवाज लगाई, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि सोमवार रात से कोई भी सदस्य घर से बाहर नहीं निकला। सूरज ने तुरंत पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो दरवाजा भीतर से बंद दिखाई दिया। आला अधिकारियों को जानकारी दी गई। डीआईजी नवीन चंद्र रेड्डी, सुनील फुरारी, डीसीपी चिन्मय पंडित, मनीष कलवानिया और एसीपी संतोष खांडेकर सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। लोगों का हुजूम उमड़ गया था। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो घर में 4 लाशें दिखाई दी। अनुमान है कि मदन ने पहले पत्नी को मारा, इसके बाद दोनों बच्चों की हत्या की, इसके बाद खुद फांसी लगा ली। फॉरेंसिक जांच टीम भी मौके पर बुलाई गई है। अगली खबर, संपत्ति के फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर प्रॉपर्टी डीलर ने दूसरे को बेच दिया। लंबे समय से संपत्ति के मालिकी हक को लेकर विवाद चल रहा था। मामला वाड़ी थाना अंतर्गत का है। अब पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। यह फ्रॉड करीब 2,40,00,000 रुपए का होने की जानकारी मिली है। पुलिस ने सुदाम निवासी इतवारी निवासी विलास गणेश राव आगरकर की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। आरोपी गवलीपुरा धर्मपेट निवासी द्वारकादास हिरनवार बताया गया है। पुलिस ने विलास की शिकायत पर 2 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। अगली खबर, रेलवे ने बिलासपुर मंडल के रॉबर्टसन में 4th लाइन कनेक्टिविटी को लेकर मेगा ब्लॉक लिया है, जिससे नागपुर स्टेशन आने वाली करीब आधा दर्जन ट्रेनें रद्द की गई है, जबकि कई ट्रेनें लेट चलेंगी। लंबी दूरी की ट्रेनों के कैंसिल होने से यात्रियों को भारी परेशानी होगी। सेंट्रल रेलवे के डीआरएम कार्यालय से मंगलवार को मिली जानकारी के अनुसार 21 जनवरी को हावड़ा सीएसएमटी एक्सप्रेस, 23 जनवरी को सीएसएमटी हावड़ा एक्सप्रेस, 24 जनवरी को हजूर साहिब नांदेड़ संतरागाछी एक्सप्रेस, 29 और 26 जनवरी को संतरागाछी हुजूर साहिब नांदेड़ एक्सप्रेस, 22 जनवरी को संतरागाछी पुणे एक्सप्रेस, 24 जनवरी को पुणे संतरागाछी एक्सप्रेस रद्द रहेंगी। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।